बात करने वाला ओईआई वर्सेस गेम के बीच होने वाले आज के तीसरे ईसीएस टीटन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपको पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल में पैसे कमाने में मदद कर पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम मैच जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना, आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, या फिर यूट्यूब पे मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, या फिर लाइनअप आने का तो मुझसे कोई चेंज करने का मन होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हर मैच के आखिरी के 5 मिनट पे जिस भी टीम से मैं खुद पैसे लगाता हूँ वो लाइनअप आने का फ्री में भेज देता हूँ, तो ज्वाइन होना मत भूलना हमारे टेलीग्राम चैनल को। ज्वाइन होना आपको आपको करना कुछ भी नहीं, आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो जैसे कि टीटन की वीडियो को देख रहे हो उसके टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे आप डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। नाम ले तो एक काम करना, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा। इस ब्लू लिंक को आप क्लिक करके अभी के अभी हमारे टेलीग्राम सर को फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी भी आसान भी और एकदम फ्री भी रहने लगा है। आप टेलीग्राम ऐप को जा करके सर्च मार के ज्वाइन मत होना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फेक चैनल है, तो जिस भी आप वीडियो को देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन किया हुआ आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये जो मैच है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओईराज की टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ओईराज के प्लेयर्स को हम ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँ, गैम्बलर की टीम नई टीम है तो गैम्बलर्स के जो प्लेयर्स हैं ना उनके एनालिसिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखो ओईराज के यहाँ से कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, यहाँ से सी ग्रीन शील्ड जो कि ओईराज की टीम और से कप्तानी भी कर रहा है, बल्लेबाजी में भी तीसरे पैर है, एज अ विकेट कीपर खेल रहा है, यानी कि आपको कैचेस पकड़ के दे सकते हैं, लेकर के आपको चलना जरूर है। एफ स्टोमैन जो कि आपको 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है, बल्लेबाजी में भी आपको 4 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी और बॉलिंग कहीं ना कहीं से आपको परफॉर्मेंस करके ज़रूर दे देगा। ए अंदानी पहले मैच से काफ़ी लंबा खेल करके आ रहा है, एज अ ओपनर आने वाला है, लेकर के चलने वाला हूँ। एम स्टोमैन का बल्लेबाजी क्रम भी 5वें नंबर करीब है, बॉलिंग करेगा नहीं, लेकर के बिल्कुल नहीं चलने वाला। कुरुत पटेल को खिलाया नहीं गया, ये नसीम बल्लेबाजी में 7 नंबर पाएगा, बॉलिंग करेगा नहीं, लेकर के नहीं चलने वाला। जुनैद खान 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, बॉलिंग से ओपनर तक करेगा, शुरू के ओवर में बॉलिंग करेगा पहला और तीसरा ओवर, अब बल्लेबाजी में भी आपको करीब 6 नंबर पे आ जाएगा, तो लेकर के चलने वाला हूँ। एम मचादो को लेकर के जरूर चलना है, जो कि बल्लेबाजी में भी ओपन करने वाला है, बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा करेगा, एज अ कैबी से आपके लिए नंबर 1 चॉइस रहेगा। अगर यहाँ से खिलाया जाए अंकुश कुमार को या फिर एनी स्मिथ में से कोई भी अगर खेल रहा हो तो काफ़ी ज़रूरी प्लेयर रहेंगे, दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। बॉलिंग ऑप्शन एम तारिक जो कि इनकी टीम का सबसे मेन बॉलर है और एक ऐसा बॉलर जो कि पूरा बॉलर है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, बल्लेबाजी में 8वें नंबर करीब आएगा। बलविंदर सिंह भी आपको 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है, गुरजीत सिंह 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं कर रहा, आई वे करण भी 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं कर रहा, बल्लेबाजी में भी 9वें 10वें 11वें नंबर करीब आएगा। अगर आपको लेना है तो बलविंदर सिंह को आप रिस्क लेकर के चल सकते हो, ये आपको अच्छा खासा काम करके दे सकता है। बलविंदर सिंह अगर ओईराज की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेयर रहेगा। गैम्बलर सीसी की टीम की बात करें, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा जयप्रकाश, आखिरी के 26 मैचेस में इसने 21 मैच में बॉलिंग कर रखा है, जहाँ पर इसको 24 विकेट मिला हुआ है, तो बॉलर काफ़ी शानदार है। कमल शर्मा 2 मैच खेला हुआ है जहाँ पर इसको 2 विकेट मिला हुआ है, बाकी 3 दिन में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लेयर अच्छा आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो। एस रहमान 30 मैचेस खेला हुआ है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इसने 30 में से 27 मैच इसने बॉलिंग कर रखा है, जहाँ पर इसको सिर्फ 15 ही विकेट मिला हुआ है, भले ही इसने बॉलिंग कर रखा है बहुत सारे मैचेस में लेकिन इसको बॉलिंग से कोई ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे, तो इसको लेकर के नहीं चल रहा। और रूनिक ऑप्शन आपके लिए सबसे नंबर 1 चॉइस रहेगा यहाँ से अंकुश कुमार, जो कि गैम्बलर सीसी की टीम का सबसे मेन प्लेयर्स में से एक है, बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों ही चीज़ करके देगा, बल्लेबाजी में भी इसका एवरेज 3-3 के मैच में आखिरी के 16 मैचेस में 28 के करीब का एवरेज है, बल्लेबाजी में यानी कि काफ़ी शानदार प्लेयर है, प्लस आखिरी के 16 मैचेस में इसने बॉलिंग से भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके 16 मैचेस के अंदर 19 विकेट भी लिया हुआ है, तो काफ़ी शानदार बॉलर है। नितिन कंपोज की बात करो, एक समय का इनकी टीम का सबसे मेन प्लेयर हुआ करता था लेकिन अब जो है बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आ रहा है, आखिरी के 16 मैचेस में एवरेज 29 के करीब का है,
लेकिन प्लेयर को बल्लेबाजी बहुत कम मौके पर मिली हुई है। 145 रन बना के आया हुआ, यानी कि आप समझ सकते हो 16 में से सिर्फ 5 ही मैच ऐसे गया हुआ जहाँ इसको मौका मिला है, तो बल्लेबाजी में तो काफ़ी नीचे आएगा। अब बॉलिंग से भी आपको कई मैचेस में बॉलिंग करके नहीं देगा, आखिरी के 16 मैचेस में इसको बॉलिंग से भी सिर्फ 11 ही विकेट मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ से रोहित नारायण हो गया, जय बालकृष्णा हो गया, एक होकर हो गया, ये दोनों जो प्लेयर है बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ करके दे सकते हैं, लेकिन एक होकर जो है मेनली बल्लेबाज है। एक होकर का जो एवरेज है वो 19 का है आखिरी के 12 T10 के मैचेस में, तो अभी फिलहाल मैं इसको लेकर के नहीं चलूँगा। बाकी जय बालकृष्णा आखिरी के 16 T10 के मैचेस में इसने सिर्फ और सिर्फ 11 T10 मैच में बॉलिंग कर रखा है जहाँ पर इसको सिर्फ 7 ही विकेट मिला हुआ है, और बल्लेबाजी में भी इसका एवरेज सिर्फ और सिर्फ 14 के करीब का है। इसको लेकर के ना चल के मैं रोहित नारायण को लेकर के चलूँगा। आखिरी के 19 T10 के मैचेस में इसने 17 T10 मैच में बॉलिंग कर रखा है जहाँ पर इसको 14 के करीब विकेट भी मिला हुआ है, बल्लेबाजी में भी 19 मैच के अंदर एवरेज जो है इसका बल्लेबाजी से 19 के करीब का है, तो इसको लेकर के चलने वाला हूँ। यहाँ से के कोहलिया को मजबूरी में लेकर के चलूँगा क्योंकि सामने कोई अच्छा प्लेयर है नहीं, और के कोहलिया ने कई बार आपको रन बना करके दिया हुआ है। आखिरी के 21 T10 के मैचेस में इसने रन जो बनाया हुआ है वो आपको 180 करीब बना करके दिया हुआ है, और बॉलिंग इसने सिर्फ 3 मैचेस में कर रखा है जहाँ भी इसको 4 विकेट मिले हुए हैं। तो ये इस तरीके से मैं लेकर के चल रहा हूँ। केवीसी में आपको 3-4 अच्छे प्लेयर कहूँगा। सबसे पहला ऑप्शन आप ले, अगर आप मान लो D11 है आपका ना खेल रहे हो, जहाँ पे आप 4-4 ऑर्डर होते हो, सब बॉलर्स को ना लेकर के किसी एक बॉलर को आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलना है, जैसे कि 11 चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड के ऊपर आप सेम D11 आपकी टीम बना करके खेल सकते हो 11 चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड के ऊपर। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे ऐप का खेल रहे हो जहाँ पे 3 बॉलर्स को लेना मजबूरी है, वहाँ पर एक काम करके चलना कि नितिन कंपोज को ना लेकर के आप सीधे यहाँ से लेकर के चल लेना बलविंदर सिंह को। इस तरीके की D11 चैलेंजर्स स्पोदेसी और कुबेरा आपकी टीम बना करके खेल सकते हो। कैब इसी में सीधे लेकर के चलूँगा अंकुश कुमार को, एम मचादो और अंकुश कुमार को, ये मेरे कैब इसी रहने वाला है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे 59,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले इससे फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना, आगे वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ, जैसे कि IPL मैच आने वाला है, जैसे कि T10 की कोई मैच की मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा उसकी भी फाइनल टीम आपको भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाओगे, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि लाखों में लोग वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पर अपनी फाइनल टीम भेजने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।